कोटिंग करनी है हमने ना इसके ऊपर पूरी, और फिर हमने इसको कर लेना है फ्राई थोड़ी देर, तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हम छोड़ देंगे। और ये देख सा हसबे जायका जितना आपने डालना हो, ताकि थोड़ा सा इसमें जब हम फ्राई करें तो टेस्ट आ जाए। इसको ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, और इसके साथ मैं भिंडियाँ डाल रही हूँ जिसको हमने कोटिंग की थी बेसन और नमक और मिर्च इसमें डाली। ये ना भिंडी का ना नया तरीका है, इसमें बहुत टेस्टी बनती है जब ये बेसन जो है ना बिल्कुल फ्राई हो जाता है, और एक न्यू टेस्ट है। आप लोग फ्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे मेरे मियाँ को भिंडी बहुत पसंद है और बच्चों को, और मैं उनको इसी तरीके से बनाते देखती हूँ और वो बहुत मज़े से बहुत पसंद की जाती है। जब भी वो मैं बनाती हूँ लेके जाते हैं अपने शॉप। जी ये रोटी बन गई है मुझे साथ के नाश्ते की, मैंने हल्का हल्का ना हो गया, और इसमें हम ये टमाटर और ग्रीन ये भिंडियाँ जो है ना वो हो गई हैं, देखें फ्राई बहुत प्यारी, और बेसन भी ब्राउन ब्राउन हो गया। असल में ना बेसन लगाने का ये मकसद है, ये देखें दोनों साइडों से इसमें उसकी कोटिंग हो गई है, और ये जो ना स्टिक नहीं होती है ना वो नहीं होंगी। अब इसमें प्याज में, और इसमें मैंने सारा लहसुन अदरक हर चीज़ जो है वो डाल दिया, और वो अब इसमें भिंडियों का डालने का टाइम आ गया, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको हल्की आँच पर हम दम दे देंगे। वो बेसन जो है ना वो प्याज में हर चीज़ में ऐसे मिक्स हो जाएगा, और इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है। आप बनाएं और ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्ट है इसका। खुश रहें और प्यार बांटें, भिंडियाँ हमारी रेडी हैं।